students. Good morning, sir. Good. Now this timing we are going to learn present perfect continuous tense. As you know that simple present tense you have learned already, and then you learn the present continuous, then present perfect tense, and now you are going to learn present perfect continuous. Okay, let's watch. What is this present perfect and continuous tense? इसका हिंदी में अपन जाते हैं सबसे पहले, तो अगर समझे तो पूर्ण, क्योंकि पूर्ण तो है, फिर अपूर्ण क्योंकि अपूर्ण भी है, कोई काम कर भी रहे हैं, मतलब इसका ये है कि कुछ काम पूर्ण हो चुका है और कुछ अभी चल रहा है उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, इसका हिंदी हो गया पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब कुछ कार्य हो चुका है और कुछ अभी हो रहा है, उसके लिए करना क्या होगा, देखना है कि जैसे कि आई यू वी दे के साथ हम हैव लगा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कुछ भी नहीं करना है, केवल बीन लगा देना है। क्या लगा देना है? बीन, केवल बीन का यूज कर देना है, बी डबल ई एन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, अभी तक हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया था, अब हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी यूज करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर अंत में सिंस और फॉर निश्चित व अनिश्चित समय के लिए यूज करना है। सर्टेन अनसर्टेन टाइमिंग, टाइमिंग को आपको समझना होगा कि कैसे है, वो अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उसके बाद पहले हम देख लेते हैं कि ही सी के साथ क्या हो रहा है। उसी तरीके से ही सी इट या नेम के साथ हमें हैज बीन का यूज करना है। क्या यूज करना है? हैज बीन। हमने हैज लगाया था परफेक्ट टेंस में, अब यहाँ पे हमको हैज बीन यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, सिंस और निश्चित व अनिश्चित समय के। ऐसा सेट करने के बाद अंत में जो है वो रहा रही रहे तो निकलेगा, जिस तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में निकल रहा था आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें समय होना जरूरी होता है। अब वो समय कैसे, देखिए ये लिखा है जैसे आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, तो यहां पे क्या हुआ कि ये सिंस मॉर्निंग सुबह से होता है, तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, ऐसे कर रहे थे अपन। तो देखिए मैं सुबह से भोजन खा रहा हूं, इसका मतलब क्या आएगा लास्ट में, खा रहा हूं, है ना, इसको यूज करेंगे तो ये आ गया मैं सुबह से भोजन खा रहा हूं। उसी तरीके से यहां आ जाएंगे, देखिए ही हैज बीन लॉफिंग इन हाउस फॉर एन आवर, ना ही मतलब वह एक घंटे से, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, ऐसे आएंगे पीछे तरफ, नंबर सेवन, तो वह एक घंटे से घर में हंस रहा है। अब इसको समझना मेन बात ये होती है कि सबसे मेन प्रॉब्लम हमको समझना आता है कि आखिर ये सिंस सर लगता कहां है। कई लोग बोलते हैं कि सिंस लगता कहां, ये सिंस का मतलब क्या होता है? इस सिंस का मतलब यहां पे से है, किस चीज के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय। अब ये सिंस निश्चित समय कैसे, जैसे हम बोलते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, अब बोले सिंस नाइट, रात्रि से, है ना, अपन ये बोल रहे हैं सुबह से, शाम से, सिंस आफ्टरनून, आफ्टरनून से, या सिंस नाइट, रात्रि से। अब एग्जैक्ट डेट हो, या जैसे बोले 2020 से, तो सिंस 2002 से, उसके भी लगाएंगे। सिंस यस्टरडे, एग्जैक्ट कल है, सिंस यस्टरडे। लेकिन यहां पे सेम चीज फॉर के साथ प्रॉब्लम होता है, फॉर मतलब जो सेम होता है इसका भी मतलब, लेकिन ये अनिश्चित समय के लिए होता है। समय के लिए, ठीक है। अब ये कैसे, जैसे अब फॉर टू डेज, अब इसमें फॉर टू डेज लिख दिया मैंने, मतलब दो दिन से, सुबह से, शाम से, रात्रि से, इसमें कई पहर हैं और कई टाइमिंग है, मैनी टाइमिंग, तो हम उसमें चेंज हो जाता है, इस कारण से उसमें टाइम लग गया। अब यहाँ वन डेज, टू डेज, थ्री डेज, फोर डेज, फाइव डेज, सिक्स डेज, आप कोई भी काउंटिंग यूज कर सकते हैं, क्लियर। और इसके बाद हमें यहां पे देखना है फॉर टू मंथ,
फॉर 1 month, 3 month, 4 month, फॉर 2 weeks, 1 week, 2 week, 3 weeks, फॉर 1 years, है ना, फ्रॉम 1, तो फॉर लगाना है यहाँ पे इसके के लिए, फ्रॉम नहीं लगाना है, यहाँ टाइमिंग की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। अगर हम ये बात करें कि कई सालों से, फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है, अब बोले एक घंटे से, फॉर एन आवर, देखिए हमने यहाँ पे यूज किया फॉर एन आवर, यहाँ 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hours कोई भी डाल सकते हैं, एन आवर लिखा क्योंकि एक घंटे के लिए यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे एन लगा है आवर का, उस तो डेफिनेशन अपन को मालूम होगा, और नहीं भी है तो हम एक्सप्लेन कर देंगे बाद में। तो ये प्रोसेस पूरी सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हमको समय लगाना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे हमने फॉर टू डेज, फॉर टू मंथ्स, या कोई भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो सेंटेंसेस हमने बनाया, और अब ये काम कहां आता है हमको समझना है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट बनाया था तो उसमें कुछ काम हो चुका था।